K-A-N और K-A-H। अब आप पुनः करेंगे पांच मिनटों में, जैसे कि क लिखा जाता है अ, हमने आगे सीखा था उसी को आई क का की मात्रा के लिए, ए आई की मात्रा के लिए, ई बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए ओ डबल, काई की मात्रा के लिए ई, काई कम के आई कौ के ओ कम के ए यू होगा, कम की मात्रा के एन अंग के ए एच। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार से ख के बारे में भी लिख सकते हैं, घ की भी लिख सकते हैं और व की भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक नाम है गणेश, जैसे लिखा गणेश तो जी घ के लिए जी ए एन ई एस एच, ये अलग होगा। एस एच है स के लिए आया, हम यहाँ से नाम लिख देना चाहे एस एस स के लिए। उसी प्रकार से कैलाश के ए आई एल ए एस एच कैलाश, ये भी आ गया। उसी से यशोदा दा बी ए वाई ए एस एच ओ डी ए यशोदा, कावेरी के ए का, ये का हो गया, वे हो गया और री हो गया, अलग अलग है कावेरी बन गया। अपन को सारी मात्रा का ज्ञान होते हैं हम नाम की लिखना किसी प्रकार का कारण है जैसे भान हो पी एच ए एन यू भा पी एच ए एन यू भानु, पन्ना पी ए एन आदम न एन ए ना पन्ना, हिंदुस्तान एच आई एन पी यू एस पी एन, सरस्वती एस आर वी ए एस डब्ल्यू ए टी वती, ये वती के लिए डब्ल्यू ए टी आई आएगा सरस्वती। हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वर किसे कहते हैं? ए ई आई ओ और यू। अल्फाबेट यानी कि ए से जेड तक ए बी सी डी में पांच होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। उसमें से जो बाकी बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? व्यंजन, जिसको बोलते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। वो कितना होते हैं? 21 इसमें। उसी प्रकार हर व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स के बाद कोई ना कोई मात्रा यानी वोवल्स आते हैं, आते हैं ना, तो उन वोवल्स अवश्य ही आते हैं, किंतु इंग्लिश में लिखते समय नाम के अंत में अ की मात्रा होने पर भी नहीं लिखी जाती है। अ की मात्रा आती है फिर भी वो लिखा नहीं जाता है, जैसे वासुदेव, जैसे कि अ की मात्रा होने पर भी नहीं लिखी जाती है, जैसे वासुदेव अपने का वास्तु के लिए वी प्लस ए प्लस एस एच यू प्लस डी एच ई वासुदेव। वासुदेव को हमने लिखा था इसमें वासुदेव अति मात्रा नहीं आया, देव क्या नहीं आया, इसे वी ए एस यू बी ई वी वासुदेव लिखी नहीं